नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो सीईटी एग्जाम को लेकर आपको बड़ी अपडेट देनी थी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ट्विटर कैंपेन चलाया गया था कि सेट का जो एग्जाम है क्वालिफाई नेचर का कर दिया जाए। जो आप चार गुना बच्चे बुला रहे हैं वो सरासर गलत है, इस बात का सभी को पता है। जो हमारे चेयरमैन साहब है उनको भी पता है और जो हमारे माननीय सीएम साहब है उनको भी पता है कि चार गुना बच्चे बुलाना सरासर गलत है। अब आप एक ही बात बता दीजिए, जब सीईटी का एग्जाम आपका हो जाएगा फर्स्ट एग्जाम, जब आप वैकेंसी निकालेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट की, सबसे पहली बात तो गलती आप यही कर रहे हैं। तो एक पेपर लेने के बाद अलग 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 के लिए आप बच्चों को बुला रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी गलती आप चार गुना बच्चे ही बुला रहे हैं। किसी एग्जाम में आपकी केवल 100 वैकेंसी होंगी, कोई एग्जाम ऐसा भी होगा जिसमें केवल आपकी 50 वैकेंसी होंगी। तो 50 वैकेंसी का चार गुना 200 बच्चे बुलाने का तुक क्या है, जहां पर इतने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि इतने गुना बच्चे बुलाना गलत है। या तो आप इसको सभी को मौका दीजिए या फिर इसमें जो गुना का परसेंटेज है वो आप बढ़ाइए। ठीक है, चार गुना मत बुलाइए, ज्यादा परसेंटेज आप बुलाइए, 12 गुना, 13 गुना या 15 गुना बच्चे बुलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल सके, बार बार उन्हीं बच्चों को बैठने का मौका ना मिले। ठीक है, ये सभी को पता है। ठीक है, हालांकि वो दूसरा मुद्दा है कि इसके बजाय और कुछ भी कर सकते हैं, हम इस मामले में बात अभी नहीं करेंगे। पहले भी मैं वीडियोस डाल चुका हूं, यदि आप क्वालिफाई या सेकंड पेपर नहीं लेना चाहते हैं तो एक और इसका उपाय है, जैसे सीजीएल में सेंटर लेवल में किया जाता है, पूरी वीडियो में पहले बना चुका हूं, पूरी डिटेल से वहां पर बता चुका हूं कि कैसे क्या करना है। कह रहा हूं मुद्दा अलग हो जाएगा, केवल अपडेट यह है कि ट्विटर कैंपेन चला गया था कि ये जो बात है ऊपर तक पहुंच सकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है सभी को, ठीक है, और टीचर्स भी वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, तो जितने भी उसके सभी के एमएलए हैं तो सभी को आपको क्या देना, विज्ञापन देना है। तो वीडियो खासकर मैंने इसलिए बनाई है, तो जिन बच्चों ने आज भी इसमें भाग नहीं लिया है, तो मैं बार बार कहता हूं जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप देखिए कितने लाख बच्चों ने पेपर दिया है, और जब ट्विटर कैंपेन की, अब चाहते सभी हैं कि क्वालिफाई हो जाए, और जब बात आती है ट्विटर कैंपेन की या कोई अभियान चलाने की, आगे कोई भी बच्चा नहीं आता है, तो जिस भी टीचर्स ने वीडियो नहीं बनाई है या फिर जिन भी बच्चों ने साथ अभी तक नहीं दिया है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस कैंपेन में साथ जरूर दे, ताकि बच्चों की यहां पर जो है आवाज हमारी आगे तक पहुंच सके। ठीक है, तो यही आप लोगों को बड़ी अपडेट देनी थी। हमारा ट्विटर जो कैंपेन है कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे तक बात ये पहुंच चुकी है। ठीक है, बहुत ही चलते आपको ये भी एक सुनने को मिल सकता है कि आपका क्वालिफाई नेचर का कर दिया गया है, या फिर इसमें और भी कोई चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जब तक आप साथ देंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, यदि आप साथ नहीं देंगे तो कुछ भी पॉसिबल इसमें नहीं है। तो क्लियर है, तो जिस भी बच्चे ने आज भी ट्विटर कैंपेन में साथ नहीं दिया है, तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को या ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, या सभी को बोलिए जो इसी टीचर से आप पढ़ते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए सेट क्वालिफाई नेचर को लेकर, ताकि ये आवाज जल्द से जल्द उठ सके और जल्दी इसके खिलाफ कुछ हो सके। यदि एग्जाम हो गया और ये बात नहीं हुई तो फिर आगे आप पछताएंगे। मैं पहले भी बोलता रहा था कि जो बच्चे पहले मना कर रहे थे एग्जाम होने के बाद, वही बच्चे बोल रहे हैं कि होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफाई नेचर होने से पढ़ने वाले बच्चों को इससे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आगे भी पढ़ के आप अच्छे नंबर ले लेंगे। क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप भी प्लीज इसमें साथ जरूर दीजिए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव इसमें ना हो। क्लियर है, तो यही वीडियो में आपको बताना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी, जैसे ही हमारा सीईटी का सेकंड पेपर का आपको सिलेबस मिल जाएगा कि सेकंड, क्योंकि अब जो आपका फर्स्ट पेपर है वो किसने लिया, एनटीए ने, सेकंड पेपर आपका आयोग लेगा। ठीक है, क्योंकि आयोग जो है अलग अलग भर्ती निकालेगा, उसमें जो है आपके जिस भी भर्ती में आप फॉर्म भरेंगे उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जीके का परसेंटेज भी थोड़ा बहुत घट सकता है। तो जब सिलेबस आ जाएगा, जब हम उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप प्रीवियस क्लासेस देखते रहिए, जिन बच्चों ने ही देखी है बड़ी ही हेल्पफुल है, तो जिन बच्चों ने देखी है पहले पेपर में उनको बहुत ही हेल्प मिली है। धन्यवाद।